हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए और कुछ जो सेलेक्ट नहीं हुए, जो सेलेक्ट नहीं हुए पॉइंट से छूट गए या ज़्यादा मार्क्स से छूट गए, उनका ये ग्रीवांस है कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं है, पद खाली हैं इसमें, और या कैंडिडेट्स जो हैं ज्वाइन नहीं कर रहे या ज्वाइन करके भी वापस आ रहे हैं। वेटिंग लिस्ट होना चाहिए या खाली वैकेंसी जो रह गई है, 5000 पद जो रिक्त रह गए हैं, उसके लिए बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में इसके लिए रिट पिटीशंस दायर किया। अब वही ऐसा ही एक रिट पिटीशन माननीय झारखंड हाईकोर्ट में पेश हुआ, उसका ये सोशल मीडिया पर एक पेपर कटिंग जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। कुछ हमारे कैंडिडेट्स, हमारे साथी, उन्होंने पूछा हमसे कि ये क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल आर्म्ड फोर्स बहाली मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, ये समाचार है आज के अखबार का, है प्रभात खबर में छपा है कि रांची का न्यूज़ है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने सेंट्रल आर्म्ड फोर्स प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के रिक्त पदों पर मेरिट लिस्ट से नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने पूछा कि जब विज्ञापन में 60,210 पदों पर नियुक्ति की बात कही गई थी तो कम अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा क्यों की गई है, जबकि सफल अभ्यर्थियों की संख्या 109,552 थी। अदालत ने जवाब दायर करने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय प्रदान किया है। मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में कांस्टेबल के लिए 60,210 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। देखिए, 1.5 लाख ने आवेदन किया ऐसा नहीं है, 1.5 लाख का लगभग मेडिकल हुआ, ये होना चाहिए था। यहाँ पे परीक्षा में 109,552 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। नियुक्ति के लिए सिर्फ 54,953 की अनुशंसा की गई, 5,257 पद खाली रह गया। अब कहा जा रहा है कि खाली पदों को नई बहाली में भरा जाएगा। ऐसा जो आप लोगों ने जो RTI लगाया या रिप्रेजेंटेशन दिया, उसके जो रिप्लाई आए उसमें ये कहा गया CRPF की तरफ से कि जो वैकेंसी खाली रह गई है उसको नई जो SSC GD की भर्ती है उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। अधिवक्ता ने रिक्त रह गए पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश देने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शुभम कुमार ने याचिका दायर कर रिक्त रह गए पदों पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम शुभम कुमार के हौसले को हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने इसको फाइट करने के लिए ये रिट पिटीशन दाखिल किया और आगे आए। ये सबसे बड़ी बात है, किसी भी जंग को जीतने के लिए पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। अब शुभम कुमार की तरह बहुत सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने ये सिर्फ विचार किया कि हमें रिट पिटीशन दाखिल करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए किसी वजह से। शुभम ने ये रिट पिटीशन दायर की है, तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए, हम हमारे तमाम उन साथियों से भी आग्रह करेंगे जो रिट पिटीशन दाखिल तो नहीं कर पाए लेकिन शुभम जैसे जो कैंडिडेट्स रिट पिटीशन दाखिल किए हैं या दिल्ली में फाइट कर रहे हैं, उनका आप सपोर्ट कीजिए। आपकी बात गृह मंत्रालय तक पहुंची है और ऐसा संभावना बन रही है कि आपके वेटिंग लिस्ट जो पद खाली रह गए हैं उनकी होनी चाहिए। अब कब होगी, कैसे होगी, वो तो देखिए आने वाला समय बताएगा और जो माननीय उच्च न्यायालय के जो ऑर्डर्स होंगे उस पर वो सब डिपेंड करेगा। तब तक आप और हम इंतज़ार करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें कि हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय हिंद।